जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन का अलग अलग कलर का क्या मतलब होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सड़क के किनारे माइलस्टोन का अलग अलग कलर का क्या मतलब होता है। हाईवे पर चलने पर हमें कई अलग अलग तरह के पत्थर दिखाई देते हैं। इन पत्थरों पर अलग अलग तरह के डिटेल दर्ज होता है। इसे मील का पत्थर यानी माइलस्टोन कहते हैं। और दोस्तों, ये अलग अलग कलर के होते हैं। इनमें कुछ पत्थरों का रंग पीला होता है, तो कुछ का लाल, तो कुछ का नारंगी, तो कुछ का काले। लेकिन क्या आपको पता है माइलस्टोन के अलग अलग कलर का क्या मतलब होता है? यह सभी अलग अलग कलर के पत्थर कई तरह की जानकारियां देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस पत्थरों के कलर का मतलब बताते हैं। अक्सर हाईवे पर ट्रेवल करते हुए आपको पीले रंग का माइलस्टोन दिखता होगा। यह पीले रंग का माइलस्टोन केवल नेशनल हाईवे पर दिखेगा और इसका मतलब है कि आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। नेशनल हाईवे वह सड़क है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। इनके निर्माण और देखरेख की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की होती है। और यह सड़कें एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है। हरे रंग के माइलस्टोन का मतलब, हरे रंग का माइलस्टोन का अर्थ है कि उस रोड की देखभाल राज्य सरकार करती है। इस हाईवे का इस्तेमाल ज्यादातर एक जिले से दूसरे जिले के बीच जाने के लिए किया जाता है। और इस हाईवे में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर उसे बनाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। काले या सफेद रंग के माइलस्टोन का मतलब, अगर आपको सड़क पर ट्रेवल करते हुए काले या सफेद रंग के माइलस्टोन दिखता है तो इसका मतलब है कि किसी बड़े शहर या किसी जिले में प्रवेश कर चुके हैं। और इस तरह के रोड की देखभाल नगर निगम करता है। नारंगी माइलस्टोन का मतलब, नारंगी माइलस्टोन किसी गाँव में लगा होता है। अगर आप किसी गाँव में प्रवेश करते हैं तो इस तरह का माइलस्टोन अक्सर आपको दिखता है। नारंगी रंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को दर्शाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? ऐसे ही और वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।